रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल है नहीं। और अगर आप इन तीन में से किसी एक सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता, वो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, आप हमेशा पैसे कमाते रहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में, और कैसे आप इसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये तक ईजिली स्केल कर सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए। और उसके बाद में अपर लिमिट कोई भी नहीं है, जितना आप बड़ा विजन होल्ड करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, उतना बड़ा आप उस कंपनी को बना सकते हो। ये वीडियो सिर्फ ये नहीं होने वाला कि हम आइडिया बता के आपको छोड़ देंगे, मैं इस वीडियो में आपको इस आइडिया के बारे में बताऊंगा, इसको कैसे शुरू करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मार्केटिंग प्लान रहेगा, कैसे आप क्लाइंट्स लाओगे, कैसे कन्वर्जन्स करोगे, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेयर मिनिमम पकड़ेंगे हर चीज़ का और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है अनीश, आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर टर्नड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, फाउंडर एट digitalsharwat.com, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बिजनेस आइडिया है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइडिया है लोकल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट नहीं, लोकल रियल एस्टेट। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, सिर्फ अपनी सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट बनानी है, नेशनल लेवल पे ऑपरेट नहीं करना है, लोकल लेवल पे काम करेंगे। आपको एक वेबसाइट बनानी है, उस पर अपने सिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप लिस्ट कर सकते हो आपको वहाँ पे कर देनी है। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा देना है, व्हाट्सएप का बटन लगा देना है, आपको वहाँ से लीड्स आएंगी, उनको विजिट करवाना है, उनसे बात करनी है और कन्वर्जन्स करने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। ये रहेगा बिजनेस मॉडल पूरा। अब आप कहोगे ये बिजनेस मॉडल तो मैजिक ब्रिक्स का है, 99acres भी ऐसे ही काम कर रहा है, housing.com और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेम मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो हम अलग क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कैसे होंगे, इतने बड़े जायंट से कॉम्पीट कैसे करेंगे? तो रुको, सबका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझो, ये जो प्लेटफॉर्म्स के आप नाम ले रहे हो या सोच रहे हो, ये सब नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं। नेशनल लेवल पे ऑपरेट करने का एक नुकसान होता है कि आप लोकल लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से अपने साइट पे चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते अपनी साइट पे लोकल लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अमृतसर में रहता हूँ, यहाँ पे एक एरिया है रामतीर्थ रोड, ठीक है, इन साइट्स पे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ रामतीर्थ रोड की लिस्टेड हैं, बट यहाँ के लोग वहाँ प्रॉपर्टी लेना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुनसान एरिया है, मतलब चोरी का डर रहता है अभी, तो चाहे प्रॉपर्टी सस्ती है बट लोग नहीं लेना चाहते। अब ये लोग इस छोटे से सजेशन पे काम नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट हम तो कर सकते हैं ना, हमें अपने सिटी की प्रेफरेंसेस पता है, यहाँ के लोगों की प्रेफरेंस पता है, चॉइस पता है, इंटरेस्ट पता है, तो हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इस आइडिया को शुरू कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें नंबर वन स्टेप ये है कि आपको टाइप करना है, कॉन्टैक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है डीलर से और कॉन्ट्रैक्टर से, बिल्डर से, आपको इनसे नेटवर्क बनाना है। क्यों? क्योंकि इनके पास ही तो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इनके साथ में जाके बात करनी है, आपको बोलना है कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम आपकी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करेंगे और सूनर आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, उसकी मार्केटिंग हम करने वाले हैं, तो लीड्स आपको एश्योर्ड मिलेंगी, और अगर ना भी मिली तो आपका जा क्या रहा है, ठीक है, आपको तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करवानी है वहाँ पे, तो 10 में से 5-6 लोग तो आपको हाँ बोल ही देंगे, तो आप उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे लिस्ट कर दो। आपको करना है क्या, वहाँ पे जाना है, हर प्रॉपर्टी की 15-20 अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, कुछ अच्छे वीडियोस क्लिक करने हैं जिससे यूज़र को समझ में आए कि वो प्रॉपर्टी है क्या, उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स ऑनेस्टली अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देनी है, ठीक है। आपके पास में बायोडाटा आ गया, आपने डीलर से कॉन्टैक्ट कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आसान है, जितना आसान ईमेल क्रिएट करना है उतना आसान वेबसाइट बनाना है। ईजिली आप YouTube पे सीख सकते हो, आपको सिर्फ डोमेन होस्टिंग बाय करना है जिसमें आपका 4-5 हज़ार रुपये जाएगा, बाकी आपकी मेहनत है, आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप नहीं भी बना सकते वेबसाइट, तो एक आइडिया देता हूँ आपको, आप एक को फाउंडर ले आओ जिसका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का हो, वो आपको वेबसाइट बना के दे देगा,
अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लो, हमें कॉन्टेक्ट कर लो, हम आपको वेबसाइट बना के दे देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे वेबसाइट बनाने में। तो हर तरह से चीज़ें पॉसिबल हैं आज के टाइम पे। मैं तो बेस्ट आपको प्रेफर ये करूँगा, जाओ यूट्यूब पे कुछ पेड कोर्सेस ले लो भाई, वेबसाइट बनाना सीख लो, आसान है, बहुत ईजी है, 4-5 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड दैट्स इट। अच्छा, अब आपकी वेबसाइट बन गई, इसके बाद आपको करना है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बना लेने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको ये सब सेटअप कर लेना है, यूट्यूब, आपको हर जगह पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस नाम से बनाओगे, वेबसाइट किस नाम से बनाओगे, सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट बनाओ भाई। जैसे मैं अमृतसर में रहता हूँ तो मैं अमृतसर रियल एस्टेट, अमृतसर प्रॉपर्टीज़, ऐसा कुछ नाम रखूँगा। और नाम ढूंढना भी बहुत आसान है क्योंकि सिटी स्पेसिफिक नाम है तो ईजिली मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, तो आप ईजिली ये चीज़ कर सकते हो। अब आपके 3 स्टेप हो गए, नंबर 1 आपने कॉन्टैक्ट किया डीलर से, कॉन्ट्रैक्टर से, और उसके बाद आपने वेबसाइट बनाया, सोशल मीडिया चैनल्स सेटअप किए। अब आपको पोस्टिंग करना शुरू करना है, आपके पास में वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, अब वेबसाइट पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो, अच्छे से अपनी प्रेजेंस बनाओ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना पोस्टिंग करने के बाद, तब भी आपको फ्री में लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, देखो एक YouTube चैनल है जो सिर्फ अमृतसर की प्रॉपर्टीज डालते हैं, और इनके सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हो, और जो इनकी व्यूज़ हैं वो आप देख सकते हो, तो आप जज कर ही सकते हो कि कितनी प्रॉपर्टीज़, अगर आप सिर्फ सिर्फ सिटी स्पेसिफिक काम करते हो तो आपको कितने लीड्स मिल सकते हैं, वो भी फ्री में। ये कोई ऐड नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको फ्री में लीड्स मिल रहे होंगे। सिर्फ 1% का भी लीड का रेशो मान के चलो ना आप, तो इनके जो 2-3 हज़ार व्यूज़ एक वीडियो पे आते हैं तो इनको आराम से वहाँ से 20-30 लीड्स मिल जाते होंगे। तो आपको भी आसानी से इतने लीड्स मिल सकते हैं अगर आप ग्रुप सर्च करोगे फेसबुक पे, अपने सिटी स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो अमृतसर के ग्रुप्स में 2-2, 3-3 लाख मेम्बर्स हैं, समझ रहे हो कितना पोटेंशियल है हर सिटी में। भाई ये दिमाग से निकाल दो कि आपको लीड्स नहीं मिलेंगे, लीड्स तो आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाएंगे, बट लेट्स अज्यूम, दोनों पार्ट से अज्यूम करने हैं ना, तो लेट्स अज्यूम आपको लीड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, आपने वीडियोस डाले, फोटोज डाले, अच्छे से काम किया, बट फिर भी आपको लीड्स नहीं मिले, अब क्या? अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप गूगल एड्स लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ, ये मेरी सिटी के हैं, आप अपनी सिटी के भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। आप कीवर्ड्स देखो, देखो यहाँ पे कितना CPC है, CPC यानी कि अगर कोई क्लिक करता है आपकी ऐड पे तो आपको कितने पैसे देने हैं। एक क्लिक के सिर्फ 3 रुपये हैं मैक्सिमम यहाँ पे। अगर आप खुद ही सोच सकते हो, अगर आपने 1,000 व्यूज़ लेने हैं यानी क्लिक्स लेने हैं तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये खर्च करने हैं। 3,000 रुपये में 1,000 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और वहाँ से आप इजीली 1% लीड्स तो मान ही सकते हो आपको मिलेंगी। 1% लीड्स यानी कि 10 लीड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद में कन्वर्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, इजीली कर सकते हो आप। चलो और स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं जो आपकी सिटी के रियल एस्टेट वीडियोज़ डालते हैं, आप उनको टारगेट करके ऐड चला सकते हो, यूट्यूब ऐड चला सकते हो आप, उन चैनल्स को टारगेट करो, वहाँ पे आपकी ऐड चलेंगी। अगर आपको नहीं आता, हमारी हेल्प लो, किसी भी मार्केटिंग एजेंसी की हेल्प लो, वो आपको करके देंगे। सोशल मीडिया पे आप ऐसे पेजेस को टारगेट कर सकते हो, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपकी सिटी में रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, लीड्स आपको मिल जाएंगे, बड़े आसानी से मिल जाएंगे, कम पैसों में मिल जाएंगे भाई। थोड़ा सा कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इस चीज़ में, 4-5-6 हज़ार रुपये, और कितना, 10 हज़ार रुपये मान लो, 10 हज़ार रुपये इसका हो गया, 4-5 हज़ार रुपये वेबसाइट का हो गया, बस एक बंदा रख लो मैनेज करने वाला, 10 हज़ार रुपये लेगा, 20-25 हज़ार रुपये में आपका बिजनेस शुरू, वो भी हम बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं, इससे कम आएगा इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में लीड्स ही लीड्स हैं, कन्वर्जन आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने आपको अपने हिसाब से इसका मार्केटिंग प्लान बता दिया, कैसे इसको मार्केट कर सकते हो आप बिजनेस को। अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो भी सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉमिनल सी चीज़ मान के चलता हूँ, आप एड्स चला रहे हो, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, टोटल अगर आपके सभी चैनल्स को मिला करके आपके व्यूज़ 5,000 भी होते हैं महीने के सभी प्रॉपर्टीज़ पे मिला के, तो आपको सिर्फ 1% वहाँ से लीड्स आती हैं, विच इज़ 50 लीड्स आपको वहाँ से आती हैं।
तो क्या 50 में से आप एक भी कन्वर्ट नहीं कर सकते? कमाल की बात है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको नॉलेज है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप 50 में से एक भी कन्वर्ट नहीं करोगे, ये मैं नहीं मान सकता। और अगर आपने एक भी कन्वर्ट किया पहले महीने में या दूसरे महीने में, तो आपको पता है इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या जाएगा। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब अपना प्लेटफॉर्म बनाओगे तो वहाँ पे आप यूज़र से कोई भी कमीशन मत लो। नॉर्मली होता क्या है, डीलर्स दोनों साइड से कमीशन लेते हैं, बिल्डर से भी और यूज़र से भी, कस्टमर से भी। तो आप कस्टमर से कोई कमीशन ना लो, आप सिर्फ बिल्डर से कमीशन लो, जिससे होगा क्या, लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आपके ब्रांड को ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उनसे कोई कमीशन नहीं ले रहे हो, आप तो सिर्फ ब्रांड से। थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। आप सिर्फ बिल्डर से कमीशन लो, विच इज़ अगर आप 1% कमीशन भी लेते हो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, तो इट्स 1 लाख रुपीज़, तो ये कम नहीं है अमाउंट। तो प्रॉफिटेबल तो आप पहले दूसरे महीने में ही हो जाओगे, ये मान के चलो। थोड़ा सा डेडिकेशन लगाओ बस, आसानी से कर सकते हो इस चीज़ को, और कॉम्पिटिशन इतना कम है कि आप एक ब्रांड आसानी से अपनी सिटी में बना सकते हो। कोई भी ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है, एटलीस्ट मैंने 2-3 सिटीज़ का सर्च किया है, मेरे को तो कोई अच्छा नहीं मिला, तो आप भी इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा, कैसे इसको शुरू करना है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे इसको ग्रो करना है, और कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल करना है। इस हर चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इस चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम वीडियोस डालते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। आइडिया बता के छोड़ दें, स्ट्रैटेजी बता के छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हम ये भी बताएंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे रियल लाइफ बिजनेस में उसको अप्लाई करना है और ग्रो करना है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।